गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास दस के लिए गणित की वर्कशीट नंबर सेवेंटी फोर अट्ठारह जनवरी के लिए तो चलिए शुरू कर दें आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जो आपने देखा है कि अब तक आपके जो 2021 के जो आपके सैम्पल पेपर हैं सीबीएसई के थ्रू वो आपके आ चुके हैं आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है इसलिए हम जिस तरीके का आपका प्रश्न पत्र आएगा जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो देखो जो आपका प्रश्न पत्र है वो दो भागों में आएगा ठीक है भाग एक भाग दो आज हम भाग ए को डिस्कस करेंगे सिर्फ कि भाग ए में किस तरीके के प्रश्न आएंगे कितने नंबर के आएंगे जो अगली वर्कशीट उसमें हम भाग दो के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो भाग एक है उसमें आपके दो खंड होंगे तो पहला खंड भी सोलह नंबर का होगा दूसरा खंड भी सोलह नंबर का मतलब अंक तो 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 के के तो तो का है तो सोलह और सोलह बत्तीस का अंक आपका ये क्वेश्चन पेपर जो मतलब भाग ए है वो आएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर अब देखो तो खंड ए में देखते हैं जो सिक्सटीन मार्क का एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो क्या होंगे बहुत ही छोटे संक्षिप्त में आपको देने हैं या फिर रिक्त काम की फॉर्म में आएंगे तो देखो आपको इनका उत्तर देकर देखना है आपको क्या दिया हुआ ए पी दी हुई है चौंतीस बत्तीस तीस इसमें आपको प्रथम पद और सार्व अंतर क्या है ये आपको बताना है तो देखो स इसमें चौंतीस बत्तीस तीस यही थी ना तो इसमें सबसे प्रथम पद क्या है सबसे प्रथम पद तो ए है चौंतीस है ना प्रथम पद को हम से दर्शाते हैं ना जो कि कितना है चौतीस है उसके बाद क्या निकालना था सार्वंत्र वो कैसे निकालते हैं इनको माइनस करो चौतीस के बाद बत्तीस आया बत्तीस के बाद तीस आया कितने कितने का अंतर है दो घटता जा रहा है मतलब माइनस दो बत्तीस में से माइनस चौतीस करके देख लो फॉर्मूला होता है ना जो ए टू है उसमें से ए वन माइनस कर दो ठीक है तो माइनस दो के आपका सार्वंतर होगा उसके बाद दूसरा प्रश्न है बिंदु माइनस पाँच को आठ तथा वाई एक्स के बीच की दूरी डैश मात्रक है कैसे आपको पता ना उसकी दूरी का सूत्र जो है उससे हम निकालेंगे इनके बीच की दूरी निकालनी है वाई अक्ष है तो एक्स कितना होगा ज़ीरो होगा और वाई अक्ष पे वाई होगा और एक आपको बिंदु ये दे रखा है इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे आप देखो ये आपका क्या है दूरी सूत्र ठीक है ये क्या आपका दूरी सूत्र है? है ये क्या है आपका एक्स वन वाई वन है और ये क्या है आपका x2 y2 है तो यहाँ पे x2 टू माइनस एक्स वन मतलब जीरो माइनस पाँच तो जीरो यहाँ पे भी माइनस और एक माइनस इसके पास भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस पाँच का वर्ग उसके बाद y2 टू माइनस वाई वन वाई टू क्या है वाई और y1 क्या है एट वाई माइनस एट का वर्ग तो ये क्या होता है पाँच का वर्ग कितना होता है पच्चीस होता है और ये क्या होता है ये जो आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी है ना a माइनस बी का वर्ग किसके बराबर होगा a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस टू ए बी है ना ए क्या है आपका ए है वाई मतलब वाई का वर्ग बी क्या है आपका आठ का वर्ग कितना है चौंसठ और फिर सी क्या? 2A क्या है माइनस टू ए बी टू ए क्या है वाई बी क्या है आठ और टू

ठीक है ऊपरी जो वर्ग सीमा है और जो निचली वर्ग सीमा उसको क्या बोलते हैं हम माप बोलते हैं ठीक है मैं इसको थोड़ा साफ लिख देती हूँ क्या बोलेंगे माप ठीक है अब देखो उसके बाद चौथा पार्ट है अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास चौदह सेंटीमीटर है चांदे की परिधि ज्ञात कीजिए व्यास दे रखा है चौदह सेंटीमीटर तो परिधि निकालनी है तो चौथा पार्ट करेंगे तीसरे का क्या आ जाएगा हमारा माप चौथा देखो क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है चौदह सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा मतलब सात सेंटीमीटर तो आपको इसकी ये क्या है कैसा आकार है आधा है सर्कल का यहाँ पे अर्ध वृत्ताकार दिया हुआ है ना तो अर्ध मतलब आधा तो पूरा ये होता है इस पूरे की परिधि अगर हमें निकालनी तो क्या होती है टू पाई आर लेकिन अभी हमें आधे का ही निकालना है तो इसका आधा कर दो दो से दो कट गया क्या बचा पाई आर प्लस में ये क्या होती है ये तो ऊपर का हिस्सा आया पाई आर ये क्या है ये हमारा व्यास है डायमीटर तो हमें ये भी जोड़ना होता है डी भी हमने साथ में जोड़ा है तो पाई क्या हो गया चौदह सेंटीमीटर और आर हमारा क्या है सात सेंटीमीटर ठीक है सॉरी पाई क्या हो गया बाईस बटे सात और डी क्या है हमारा व्यास चौदह सेंटीमीटर ठीक है हमने बस वैल्यू पुट कर दी सात से सात कट गया तो बाईस प्लस हो जाए कितना होता है छत्तीस सेंटीमीटर होता है तो ये हो गया हमारा चौथा पार्ट तो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं भाग एक की ठीक है ये खंड ए है यहाँ पे आप लिख सकते हो खंड एक ठीक है तो खंड ए हमारा हो चुका है ये चार क्वेश्चन आपके थे एक एक मार्क्स के इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे चार नहीं आएंगे सोलह आएंगे लेकिन आपको ये सिर्फ दिखाया है कि इस तरीके के प्रश्न आएंगे इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए तो खंड ए के प्रश्नों के उत्तर लघु और प्रासंगिक होने चाहिए प्रश्नों को बेवजह व्याख्या करने से बचे मतलब बिना बात पे इतना बड़ा क्वेश्चन उसको बढ़ाने से आपको बचना है टाइम अपना बचाना है तो प्रश्न के उत्तर केवल एक या दो वाक्यों में ही लिखने का प्रयास करें ठीक है एक दो लाइन में उसको खत्म करना है अब देखो खंड दो खंड दो में क्या है आपको केस स्टडी पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न बहु, बहु मतलब आपको चार विकल्प दिए जाएंगे उसमें से आपको सही छापना है ठीक है तो सीबीएसई ने इस तरह में केस स्टडी आधारित प्रश्नों की शुरुआत की है तो इसमें क्या होगा आपका जो आपके आसपास है रोजमर्रा के जीवन है उस पर उस स्थिति में आपको क्या करना है चुनाव करना इस तरीके के आपको हल्के हल्के प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे जिनका आप आसानी से उत्तर दे सकते हो ठीक है अब देखो केस स्टडी पर आधारित प्रश्न किस तरीके के आएंगे तो ये एक क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है देखो पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी जो मतलब ताश की गड्डी होती है ना गड्डी में से काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते अभाज्य संख्या कौन सी होती है जो क्या होती है किसी से भी विभाजित नहीं होती जैसे दो है तीन है पाँच सात ग्यारह देखो मैंने नो नहीं लिखा क्योंकि नो तीन से विभाजित होता है सिर्फ वो संख्या जो किसी और से विभाजित नहीं होती जो सिर्फ अपने टेबल में आती है ठीक है तो काले ऐसे पत्ते उसने निकाल लिए और लाल बेगम निकाल ली तो पंकज या अच्छा एक पत्ता निकालता है अपनी इच्छा के अनुसार वो एक पत्ता निकालता है तो आपको अगर वो पत्ता बादशाह होता है ना तो वो जीत जाता है ठीक है उसको बादशाह अगर वो निकालेगा तो वो जीत जाएगा तो पहले आपको बताना है गड्डी में शेष पत्ते कितने हैं कितने शेष पत्ते हैं ये देखो बावन टोटल पत्ते होते हैं बावन में से उसने जो अभाज्य संख्या है वो सारी निकाल ली और लाल बेगम निकाल ली तो देखो कैसे इसको हल करेंगे हम ये आपका प्रश्न नंबर दो देखो इस तरीके से आपको एक छोटा सा चार्ट साइड में ये सिर्फ रफ के लिए बना हुआ है मैंने आपको उसमें कुछ नहीं करना उसमें तो आपको ये देखो चार ऑप्शन दिए हैं ना यहाँ पे ये देखो ये चार ऑप्शन दिए हैं ना इसमें से आपको बस सही छाटना एक पे टिक लगा देना सिर्फ ठीक है तो यहाँ पे आप कैसे करोगे आपके पास टोटल बावन पत्ते हैं छब्बीस काले हैं और छब्बीस लाल हैं तो इसके बाद छब्बीस जो काले हैं देखो आपको पता है चार तरीके के होते हैं चिड़ी होती है जो पान का पत्ता होता है इस तरीके के चार पत्ते आपके पास होते हैं ईट होती है तो वो क्या होते हैं उसमें से तेरह तेरह का सेट होता है ना तेरह तेरह का सेट होता है तेरह ईट होती है तेरा पान होता है तेरह चिड़ी होती है ठीक है तो ये तेरह तेरह के होने के बाद तेरह और तेरह में से आप ये जो तेरह आता कैसे है मतलब दो से दस तक तो नंबर होते हैं ठीक है ये हो गई उसके बाद एक इक्का होता है जे होता है गुलाम और आपकी रानी होती है क्वीन और ये क्या होता है कि राजा होता है ठीक है ये होते हैं तो ये तीन तो क्या है फेस कार्ड है ठीक है ए क्या सॉरी ए नहीं जे क्यू के ठीक है ये क्या है फेस कार्ड इनको बोलते हैं तो यहाँ पे इन पत्तों में से आपको क्या करना है अभाज्य संख्या निकाल दो अभाज्य कौन सी है दो है तीन है पाँच है और कोई है सात है ठीक है ये चार संख्या आपको निकालनी पड़ेगी ये चार किस में से निकालोगे काली चार ठीक है उसने क्या बोली काले पत्तों में से आपको अभाज्य वाले निकालने हैं तो ये दोनों काले हैं तो चार यहां से निकल गई चार यहां से निकल गई तो आठ निकल गई बावन में से और उसने बोला है, लाल क्वीन लाल रानी निकालनी है तो इसमें से एक रानी इसकी गई और एक इसकी गई है ना एक यहां से गई एक यहां से गई तो दो ये निकल गए तो दो ये निकल गई तो कितने बावन में से दस गए कितने वो बच गए फोर्टी टू तो यही उसने पूछा था फोर्टी टू आएगा आपका गड्डी में शेष पत्ते कितने फोर्टी टू जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है उसके बाद है दूसरा पार्ट गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष हैं चित्र पत्ते शेष अभी अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं चित्र वाले चित्र होते हैं ये जो फेस कार्ड होते हैं जे के क्यू ये होते हैं चित्र वाले तो तीन इसमें होंगे तीन इसमें होंगे तीन इसमें और तीन इसमें होंगे ठीक है कितने हो गए कुल तीन 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 और तीन बारह हो गए बारह हो गए बारह में से दो जो रानी थी वो तो हमने निकाल ली थी लाल जो रानी थी लाल क्वीन थी वो तो हमने हटा ली थी तो कितने बच गए सिर्फ दस बच गए ठीक है तो जो आपका सेकेंड है उसका ऑप्शन ए सही आएगा क्या दस ठीक है तो सेकेंड का उत्तर क्या आएगा ए दस उसके बाद है तीसरा आपका पंकज के जीतने की प्रायिकता क्या है कब जीतेगा वो तो जब जीतेगा ना जब उसके बाद बादशाह आएगा राजा आएगा है ना तो बादशाह आने की प्रायता आपको निकालनी पड़ेगी तो कितने बादशाह होते हैं एक इसमें होगा एक इसमें एक इसमें और एक इसमें चारों में एक एक बादशाह होता है तो चारों में एक एक बादशाह तो कुल बादशाह चार हैं कितने में से अब सिर्फ पत्ते इतने ही तो बचे हैं ना क्योंकि बावन में से हमने अभाज्य संख्या और क्वीन जो थी रानी थी वो तो हमने निकाल ली तो सिर्फ कितने बच गए थे फोर्टी टू बच गए थे तो और चार राजा होते हैं तो मतलब फोर्टी टू में से चार ही क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी है ठीक है तो चार बटे कितना आएगा आपका फोर्टी टू जब इसको काटोगे दो से तो क्या आएगा दो बटे इक्कीस तो मतलब जो आपका थर्ड है उसका ऑप्शन सी ठीक है दो बटे इक्कीस जो आपका थर्ड है इसका ऑप्शन सी दो बटे इक्कीस आएगा ठीक है फिर आपका चौथा प्रश्न तीन का गुणज वाले पत्ते के आने की प्रायिकता क्या है तीन का गुणज मतलब तीन से जो गुना होते हैं उसके आने की प्रायिकता तीन से कौन से कौन से गुना होते हैं तीन छ नो no. है ना यही होते हैं ना ये तो कुल पत्ते होते हैं सारे इसमें से सिर्फ यही तो होते हैं तीन से गुना लेकिन आपका जो तीन था तीन जो काले वाले पत्तों में से तो तीन तो आपका हट चुका था अभाज्य जो संख्या थी हमारी जो हमने आठ माइनस किए थे अभाज्य संख्या थी तीन तो ये तो हमने हटा ली थी तो सिर्फ छः और नौ बचता है काले पत्तों में तो ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ छः और नौ बचा यहाँ पे भी सिर्फ छः और नौ बचा ये भी काले हैं यहाँ पर तीनों बचते हैं तीन भी छः भी नौ भी क्योंकि लाल में से थोड़ी हमने अभाज्य संख्या निकाली थी हमने सिर्फ काले पत्तों में से अभाज्य निकाली थी तो इधर से भी क्या बचेगा तीन छः और नौ कुल कितने पत्ते हो गए गिनो इनको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस पत्ते हैं कुल कितने में से फोर्टी टू में से दस पत्ते हैं फोर्टी टू में से इसको काट दो, दो से तो पांच बटे इक्कीस आपका आंसर आएगा ठीक है तो आपका जो चौथा पार्ट है उसका हमारा ए ऑप्शन ठीक है पांच बटे इक्कीस ठीक है चौथा जो पार्ट है उसका ए ऑप्शन पांच बटे इक्कीस बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद आखिरी प्रश्न देखो न गुलाम ना बेगम के आने की प्रायिकता है क्या प्रायिकता है ना गुलाम ना बेगम आने की तो देखो कितने गुलाम होते हैं गुलाम तो चार होते हैं बेगम कितनी होती है आपकी जो रानी होती है क्यों वो भी कितनी होती है आपकी चार होती हैं लेकिन हमने रानी तो दो निकाल ली थी रानी दो निकाली थी तो कितनी रानी बचती है सिर्फ दो तो कितने चार और दो छः ही तो हुए ना छः हुए कितने में से फोर्टी टू में से तो इसको काटोगे आप तो क्या हो जाएगा एक बटे साथ हो जाएगा तो जो आपका पांचवा है उसका क्या उत्तर आएगा आपका एक बटे साथ बी ऑप्शन इसका सही होगा ठीक है तो ये था आपका केस स्टडी वाला प्रश्न आधारित ठीक है थीके? आपको क्या करना है इनमें यहाँ पे कोई सूत्र लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपके सिर्फ एम सी क्यूज हैं ये विकल्प वाले आपको सही विकल्प चुनना है ठीक है किस तरीके से आप निकाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप बस आपका आंसर आना चाहिए ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आज हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट का आंसर था फोर्टी टू सेकेंड का आंसर था दस थर्ड का आंसर था दो बटे इक्कीस फोर्थ का था पाँच बटे इक्कीस और इसका क्या था फिफ्थ का बी पार्ट अब इसमें से भी आपको क्या करना था जो ये आपको प नीचे दिए हुए हैं पांच इन पांचों में से आपको कोई चार करने हैं ना कि पांच करने हैं मैंने पांचों कराए हैं लेकिन आपका जो पेपर होगा उसमें आपको इसमें से एक प्रश्न की छूट दी जाएगी इन पांचों में से कोई भी चार आप कर सकते हो ठीक है आई होप आपको अच्छे से पूरा जो पैटर्न है भाग ए है प्रश्न पत्र का वो समझ में आ गया अगली वर्कशीट में हम भाग दो सीखेंगे आज के लिए इतना ही आई कोई भी दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक like कर सकती हूँ थैंक यू एंड अव अ ग्रेट डे